मूवी में आपको जिस तरह की वायलेंस देखने को मिलती है वो शायद हॉलीवुड में भी एक आध फिल्मों में ही देखने को मिलती है। एक प्रॉपर वायलेंस से भरी मूवी कैसी होती है, एनिमल इसका एक एग्जाम्पल सेट करती है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एकाक सीन ऐसा जरूर हुआ होगा जो आपका दिमाग खराब कर दे। मतलब उस तरह का खराब नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए बात करते हैं बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी एनिमल रिव्यू की। अब क्योंकि ये मूवी 3 घंटे 21 मिनट की है तो इसके लिए आपको अच्छे खासे वक्त की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ पेशेंस की भी। बाकी स्टोरी के मामले में ये मूवी बहुत ही अच्छी है, इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी सेटिस्फाइंग है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि एक्शन कम वायलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी बड़ी बड़ी मासी मूवीज़ में क्या होता है कि एक्शन थ्रिलर ही चलता रहता है, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं है। इसमें दिखाया गया हर वायलेंस मूवी की स्टोरी की वजह से लागू होता है। किसी मूवी को देखने के लिए कोई 3.5 घंटे क्या ही निकालेगा, लेकिन बात यह है कि अगर मूवी की स्टोरी लाइन एंगेजिंग हो, इमोशनल हो, अच्छी हो, तो 3.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। इससे भी बढ़कर संदीप रेड्डी वांगा ने इसकी स्टोरी लाइन को ऐसे सेट किया है कि आपको इसे पूरी तरह से जानने के लिए 3.5 घंटे लग ही जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 3.5 घंटे की मूवी देख ली है। एक्टिंग के मामले में रणवीर कपूर का कोई जवाब नहीं। रणवीर कपूर क्या इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को ऐसा लगा है संदीप रेड्डी वांगा ने उनको झकझोर कर उनके अंदर की नेचुरल एक्टिंग को बाहर निकाला है। यही एक और खासियत है मूवी की कि इस मूवी में सभी लोगों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और वो बड़ी सी मशीन गन वाला सीन कोई CGI या VFX नहीं था, बल्कि इसे बनाने में 4 महीने लगे थे। 500 किलो स्टील का यूज किया गया था, और जब ये सीन थिएटर के अंदर बड़े से पर्दे के सामने आया तो बिल्कुल एकदम बवाल सा हो गया। और अब यही एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। इस मूवी के ऊपर से स्टोरी लाइन की बात करेंगे तो हाँ, ये एक खानदानी लड़ाई है, और ये लड़ाई तब से ही शुरू हो जाती है जब से इनकी कंपनी कास्तिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी अपने बड़े सक्सेस को अचीव कर लेती है। और जैसा कि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि बॉबी देओल का इसमें जो कैरेक्टर है वो म्यूट है, तो ये बात सच साबित हुई। और फाइनली ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है, और मैं सच कहूँ तो ये मूवी मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। और अपने रिलीज होने के पहले ही दिन ये मूवी 116 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। इसके साथ ही ये इंडिया की पहली ऐसी ए रेटेड मूवी बन गई है जिसका ओपनिंग डे पर 63 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनली ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में ये 600 से 700 करोड़ रुपए तो आराम से कमा लेगी। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।